दोस्तों, अल्फाज तय करते हैं किरदारों के, उतरना दिल में है या दिल से उतरना है। और दोस्तों, कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। और वेद पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन जिस दिन आपने किसी की वेदना को पढ़ लिया तो समझो आपका जीवन सफल हो गया। और दोस्तों, जोखिम लिए बिना किसी भी काम में तरक्की संभव नहीं है। और एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता आपकी किस्मत ही बदल जाए। और दो चीजें अपने अंदर पैदा कर लो, हमेशा फायदे में रहोगे। पहला, चुप रहना, क्योंकि इससे बड़ा कोई जवाब नहीं। और दूसरा, माफ करना, क्योंकि इससे बड़ा कोई इंतकाम नहीं। और दोस्तों, क्षमा उन फूलों के समान है जो कुचले जाने के बाद भी खुशबू देना नहीं भूलते। और जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पे क्या हारना है ये जानने वाला भी सिकंदर होता है। और अकेले रहने पर आप उतने दुखी नहीं होंगे जितना एक गलत इंसान के साथ रहकर हो सकते हैं। और दोस्तों, जिस पर तुम्हारा वश नहीं उसके लिए दुखी होना बंद कर दो। और मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। और दोस्तों, जीवन उस बांसुरी जैसा है जिसमें कितने भी छेद क्यों ना हो, जिसको बजाना आ जाए तो सातों सुर बराबर बजेंगे। और मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मारने से नहीं चूकती, इसलिए होशियार रहें। हमेशा मीठा बोलने वाले भी हनी नहीं हानि दे सकते हैं। और दोस्तों, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। और ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, जिनके पेट खाली हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। और पसंद आ गए हैं कुछ लोगों को हम, कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। और फासले इस कदर हैं आजकल रिश्तों में जैसे कोई घर खरीदा हो किश्तों में। और खुद को भी कभी महसूस कर लिया करो, कुछ रौनकें खुद से भी हुआ करती है। और रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिल तो वही है जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। और कुछ इस तरह खूबसूरत रिश्ते टूट जाया करते हैं, दिल भर जाता है तो लोग रूठ जाया करते हैं। और मशरूफ रहने का अंदाज तुम्हें तनहा ना कर दे, रिश्ते फुर्सत के नहीं तवज्जो के मोहताज होते हैं। और दोस्तों, मुलाकातें जरूरी है अगर रिश्ते निभाने हैं, लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। और कुछ ऐसे हो गए हैं इस दौर के रिश्ते, जो आवाज तुम ना दो तो बोलते वो भी नहीं। और मिलने को तो हर शख्स एहतराम से मिला, पर जो भी मिला किसी ना किसी काम से मिला। और अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी मंजिल पे पहुंचना भी और खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े होकर बड़े रहना भी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइन।